हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें बहुत टाइम से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बिहार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, जो कि बिहार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है। इसमें 4 कंटेंट हैं। फर्स्ट है हमारा जर्नल इंग्लिश, फिर है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कंटेंट हमसे पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं जर्नल इंग्लिश से कि जर्नल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि आपको सेंटेंस दिए होंगे उसको आपको करेक्ट करना होगा। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे, जैसे कि उसमें कहीं एडजेक्टिव गलत दिया होगा, कभी एडवर्ब गलत दिया होगा, तो वो आपको वहाँ पर करेक्ट करना है। फिर है आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन, आपको आर्टिकल्स और प्रपोजिशन भी वहाँ पर गलत दिए होंगे, वो पता नहीं होंगे, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हो सकते हैं, आपको वो फिल करने होंगे। टेंसेस, आपको टेंसेस का नॉलेज होनी चाहिए। एज सच टेंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ये टेंस आपकी हेल्प करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में। स्पेलिंग्स होंगी, आपको 4 स्पेलिंग दे दी, उनमें से आपके 3 गलत होंगी और 1 सही होगी, तो आपको बताना होगा उसमें से कौन सी सही है। वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी उसमें आपको बताना होगा कि करेक्ट वाली स्पेलिंग कौन सी है। वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कॉमन हमारा ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो सारा ही इसके अंदर कवर होगा। वॉइसेस पूछी जा सकते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, जो कि है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर वही कॉमन जो हर बार पूछा जाता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, फिगर एंड वायरल करेक्ट क्लासिफिकेशंस पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आएंगे, डेट से रिलेटेड और नंबर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड आएंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आएंगे। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो सिचुएशन जो होगी वो उसको आप खुद के ऊपर रिज्यूम करके करना, सॉल्व इजिली सॉल्व हो जाएगा। एस सी एफ एंड एल सी एम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पजल्स एंड टैबुलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। फ्रेंड्स, जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो इसके अंदर आपसे करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे, जो कि करंट चल रहे हैं, कि अभी कौन सा मंत्री कौन सी यात्रा पर गया, वहाँ पे अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कौन भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होकर गए, ये इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कल्चर से पूछा जा सकता है कि किस राज्य की कौन सी लैंग्वेज है, वहाँ पे क्या कौन सी डिश फेमस है, वहाँ का कॉस्ट्यूम क्या है, वहाँ का फेमस डांस फोक डांस क्या है वहाँ का, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कल्चर में पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, कहाँ की सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी है, कहाँ कौन सी फसल होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं पूछने को। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको डिमांड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, सप्लाई से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल इशू, जो आपके सोशल इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको करंट न्यूज़ जो होगी वो उसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, जर्नल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, यानी कि जो आपकी यहाँ जो पॉलिसीज आई हैं नई, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप जो बजट आएगा उसको जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जाम से पहले ही वो आ जाएगा, तो उस बजट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बजट से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। हम कह नहीं सकते कि 100% आएगा या नहीं आएगा, हमारा काम है पढ़ना, हो भी सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ भी सकते हैं। फाइव ईयर प्लान्स में सबसे अच्छा तरीका है, सिर्फ आप 2 ही चीज पढ़िएगा फाइव ईयर प्लान्स में, सबकी डेट्स पढ़िएगा, कौन सा फाइव ईयर प्लान कब आया था, एंड सेकेंड
उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, और बीच में फ्रेंड्स आप दो प्लान ऐसे थे जिनके बीच में आपके हॉलीडेज आए थे और एक और चीज़ थी वो आई थी, तो आप इन सबको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेनली इसमें से इनके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि थर्ड प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, सेकेंड प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, इलेवेंथ प्लान का क्या था। तो फ्रेंड्स इलेवेंथ प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे इन्वेंशंस पूछे जा सकते हैं, किसने किसका इन्वेंशन किया, कौन था इसका ऑथर, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की। तो फ्रेंड्स टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पर गुड कम्युनिकेशन स्किल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टू नेक टू डील विद चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रंस हैं उनसे आपको सिचुएशंस दे दिए होंगे, फिर आपसे क्वेश्चन उसमें ऑप्शंस दे दिए होंगे, आपको बताना होगा कि चिल्ड्रन को किस तरह से डील किया जा सकता है। इसमें ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है उसे, तो उसको साथ आप कैसे डील करोगे, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे, क्या किस तरह के से उसके साथ बिहेव करोगे, इस तरह से आपसे प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल एनालिटिकल स्किल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी, जो आपको उसी टाइम आप सोच के आपको उनको आंसर करना होगा। ये कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप उनको पहले से ही पढ़ लें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उस टाइम अपने माइंड से सॉल्व करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ये आपके बिहार के एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स 9 दिसंबर से हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंटिन्यू क्लासेस रन करेंगे, जो कि आपके आप किसी भी स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सबका सिलेबस जो होता है कॉमन ही होता है। तो हम उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और लास्ट ईयर हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें से हमारा बहुत सारा कंटेंट कवर हुआ था एग्जाम में। तो आई होप इस साल भी हम जो प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा एग्जाम में कंटेंट कवर हो। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका डाउट हो या रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आईडी से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।